ठेले पर समोसा बेचकर हर दिन 300 रुपए कमाता है सनी नाम का ये लड़का। महंगी कोचिंग की नहीं थी फीस, कड़ी मेहनत से रातों रात बदल गई किस्मत, आप ही हो जाएंगे मरीज। जिस परीक्षा को पास करने के लिए लाखों रुपए लगाकर भी सालों तक सफल नहीं हो पाते हैं बच्चे, उस परीक्षा में टॉप कर गया समोसा बेचने वाला ये 18 साल का लड़का। चारों ओर हो रही कामयाबी की तारीफ। दिन में बेचता था समोसा, रात में करता था पढ़ाई। नीट क्रैक करके मिसाल बना 18 साल का ये लड़का। नंबर दे खुद फिजिक्स वाला पहुँचे घर। अच्छे अच्छे कोचिंग संचालकों की उड़ी नींद। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी में सफल होने के लिए जहाँ कई अभ्यर्थियों को दुनिया से अलग होकर सारे दिन पढ़ाई में लगा रहना होता है, वहीं नोएडा के 18 साल के समोसे बेचने वाले सनी कुमार ने इस परीक्षा में सफल होकर संघर्ष की नई कहानी लिख दी है। नोएडा के सेक्टर में 12 में अपने समोसे के स्टॉल पर घंटों बिताने के बावजूद सनी ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में 720 में से 664 अंक हासिल किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी कहानी ने देश भर में कई लोगों को प्रेरणा दी है। आखिर कौन है समोसे बेचने वाला सनी, उसके बारे में हम सब आपको बताएंगे, पर उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पेज को फॉलो कर लीजिए और ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें मोटिवेशन की बहुत जरूरत। आपको बता दें, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले सनी को ये परीक्षा पास करने के लिए कड़े अनुशासन की जरूरत पड़ी। वो अपने पढ़ाई का खर्च अपने समोसे के ठेले से उठाते हैं। नोएडा सेक्टर 12 में वह हर शाम 4 से 5 घंटे समोसा बेचते हैं। वो मेडिकल फील्ड में अपनी जिज्ञासा के बारे में कहते हैं, दवाइयाँ देखकर मुझे इस क्षेत्र में दिलचस्पी हुई, लोग ठीक कैसे होते हैं ये समझना था, इसलिए 10वीं के बाद बायोलॉजी पढ़ने का फैसला लिया। सनी बताते हैं कि उन्हें कई बार दिन में भी काम की वजह से पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता था, तो वो रात में पढ़ाई किया करते थे। इंडियन एक्सप्रेस के साथ खास बातचीत में सनी के बड़े भाई सागर बताते हैं कि वो कई बार रात में जागते थे तो सनी को पढ़ाई करता हुआ पाते थे। इस मेहनत के बलबूते ही सनी ने नीट यूजी की परीक्षा में 16,316 रैंक हासिल की है। अब वह काउंसलिंग के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच रवाना होंगे। सनी की स्टोरी फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की। उन्होंने सनी की स्टोरी उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए शेयर की है जो परेशानियों से घबरा जाते हैं। उनके लिए सनी की स्टोरी मिसाल है। 18 साल का सनी पिछले 3 साल से सड़क किनारे समोसे बेचता है। ठेले पर समोसा बेचते हुए सनी पढ़ाई भी करता है। हर दिन 300 रुपए की कमाई करने वाला सनी ही पूरे घर को चलाता है, लेकिन उसकी माँ का ये सपना था कि उसका बेटा डॉक्टर बने। ऐसे में सनी ने दिन में समोसा बेचा और रात में पढ़ाई कर आखिरकार नीट की परीक्षा पास कर ली। ठेले पर समोसा बेचते हुए सनी हर दिन 300 रुपए कमाता है। ऐसे महंगी कोचिंग के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस स्थिति में सनी ने 4,000 रुपए फीस भरकर ऑनलाइन ही नीट की तैयारी शुरू की। वो पूरे दिन ठेले पर समोसा बेचता था और रात को पढ़ाई करता था। कई लोगों ने सनी को ठेले पर काम करने के दौरान ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते भी देखा है। अपनी अथक मेहनत से सनी ने अपनी माँ का सपना साकार किया और नीट क्लियर की। अब सनी सरकारी कॉलेज से MBBS कर डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएगा। सनी की कहानी ने आपको जरूर इंस्पायर किया होगा। आपको उसकी कहानी, उसकी मेहनत कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सनी को बधाइयां देना बिल्कुल भी ना भूले। पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।